क्या हुआ बताओ ना, अपने आशिक की जान तुमने खुद नहीं ली क्या? ये बहुत भयानक इल्जाम है वारिदा, ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ये तुम क्या कह रही हो, खुद तुमने ये बताया था मुझे। वालिदा माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। क्या है ये, क्या फिर से कोई साजिश है ये? हुरम, मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही हैं आप? आपके पोतों की माँ हूँ मैं, आपके बेटे के निकाह में हूँ, मुझे अपने शौहर पर नाज है, फखर है, क्या इस तरह इंतकाम लेंगी? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? हैरत है। मालिका, एक और साजिश हुई है। कैसे समझी आप? सुलेमान को देखकर जो वहीं पर थे छुपे हुए, तुमने क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, इशारा भी किया था, लेकिन आप समझे नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला इस बात को, अगर मैं फंस जाती इस जाल में तो मेरा अंजाम भयानक होना था। फरजान, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन मुतलक है कि हुरम सरासर बेगुनाह है। उसने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की, ना कर सकती है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि तुम यहां हो। वालिदा बस कर दें, ये कैसी नफरत है, कैसा गुस्सा है, आखिर कब खत्म होगा ये फसाद? ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने पोतों की मां को क्यों रुस्वा कर रही है? आपकी शान के खिलाफ है। इब्राहिम भी जानता है हर बात, उससे पूछ लेना, वो बता देगा तुम्हें। अगर सेहतमंद हो गया तो। कैसी हालत है आप निगार का अल्फा, क्या तुम्हें कोई उम्मीद है? अल्लाह की रजा से ठीक हो जाएंगे पाशा मोहतरम। आमीन। मैं गार के सिरे तक जा रहा हूं, जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। हाँ जरूर बुला लूंगा, बुला लूंगा। क्या पागल हो गई हो निकाल का अल्फा, ये कैसा ऊंचापन है? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ देर पहले मैंने देख लिया तुम्हें प्यार करते हुए पाशा के लबों को ऐसे। तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। मैं दरअसल, अल्लाह तुम्हें अकल देगा निकाल का अल्फा, तुम इतने बड़े पाशा पे आशिक तो नहीं हो गई हो? अब समझा इसीलिए तुम्हारी पागलों वाली हालत है, यही दिन देखने रह गए थे। बताओ क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं आगा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, कोई चक्कर नहीं है। मेरे ख्याल में है, खजीना सुल्तान को पता चला तो मारी जाओगी। वो तो अच्छा हुआ कि नसु आफंदी ने नहीं देखा, वो आदमी तुम्हारा होने वाला शौहर है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म हया नहीं है? बताओ, ये मेरे बस में नहीं है आगा, किसी से ना कहना। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे।
इब्राहिम, हसीना सुल्तान का पूछने आई थी, आज रात उन्हीं के पास ठहरूंगी, यकीनन खुशी होगी उन्हें। शहजादी, क्या हुआ शहजादी, कहाँ जा रही है इस वक्त? शहजादी यहां से उठे, खुदा के लिए अंदर चले। मर गया है ना वो इब्राहिम, मर गया। नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ मत बोले मुझसे, आप मुझसे छुपाया जा रहा है उसकी मौत को। ख्वाब में देखा है मैंने, ये मुजस्मे रो रहे थे, खून बह रहा था इनकी आंखों से। आपने ख्वाब देखा है शहजादी, अल्लाह बचाएगा, और अगर ऐसा कुछ होता तो आगाह कर देते हमें। नहीं, मैंने खुद देखा, ख्वाब में देखा है ये मुजस्मे। चलिए शहजादी उठे। नहीं, अंदर चले। चलिए उठिए शहजादी। शहजादी संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर आराम कर ले शहजादी। आप बाहर जाएं। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप सो जाएं। ठीक है, मैं सो जाऊंगी। अब अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है फिर, आप सो जाइए, रात यही हूं मैं। चली जाएं आप लोग यहां से, मुझे अकेला छोड़ दें। करें हम गुलफाम, मुझे मालूम नहीं।
अनीसों से कहो कि वो अंदर ही रहे, कहीं दोबारा कुछ करना बैठे। आप अच्छी बात कहें। अभी तक सोई नहीं? पलके तक नहीं झपकाई शहजादी ने, सारी रात ऐसे ही गुजार दी। हसीना सुल्तान, आप ठीक है ना? हौसला ना करें आप हमें। शहजादी, बात तो करें कोई, क्यों ऐसे बैठी है? कुछ करना होगा हमें, किसी को महल भेजते हैं खबर करने के लिए वालदे सुल्तान को। तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, सुबह बखैर। तुम खैरियत से हो अयास पाशा? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। हालात क्या हैं? कुछ मालूम हुआ? उस हमले के मुतालिक तहकीकात जारी है मेरे आका, अफसोस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। गिरफ्तार तीरबाज भी मर गया। एक जाली हुक्मनामा दिखाकर वहां एक आदमी आया, उसने खुद को सिपे सालार जाहिर किया। वो अंदर गया और दोनों आदमियों की जान ले ली, और उसके बाद वो आदमी वहां से फरार हो गया। जाहिर गद्दार हमारे दरमियान है अयाज पाशा। लेकिन इंसाफ मुकम्मल होगा मेरे आका। इसमें कोई शुबा नहीं अयाज पाशा। इब्राहिम पाशा के पीछे तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, आपको मालूम है कि क्या करना है। जो हुक्म मेरे आका। बाहर बहराम पाशा को देखा, कोई मसला है क्या? काफी दिन से मुलाकात करना चाहता है आपसे। उसे क्या परेशानी है? मालूम नहीं मुझे। वालदे सुल्तान, कहो क्या है? खजीना सुल्तान अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ना बात कर रही है और ना खाना खा रही है। कल रात से बिस्तर पर बिल्कुल साकित बैठी है। बेचारी खजीना दुख बर्दाश्त ना कर सकी। तुम बग्घी तैयार करवाओ, आका को भी खबर दे दो। दाया खातून, खजीना सुल्तान को क्या हुआ है? मेरे आका बहराम पाशा आए। मेरे आका, आपने मेरी मुलाकात की दरख्वास्त कबूल की, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। तो कैसे हो तुम बहराम पाशा? आपकी सलामती के लिए दुआगो हूं आका। क्यों मिलना चाहते थे, क्या बात है? मेरे आका, मोहाज में, वियाना में मैंने आपके हुक्म के मुताबिक तुर्क सल्तनत की खिदमत की है, लेकिन मालूम ही है उस वक्त से मैं आप आए तक की तरफ से अपने नए मनसब का मुंतजर हूं। आपकी तरफ से मिलने वाले हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूं। तुम्हारी खिदमत काफी इत्मीनान बख्श है और यकीनन तुम्हारी ये खिदमत जारी रहेंगी, लेकिन सब्र करो। इताअत और सब्र बहराम पाशा, ये बिल्कुल ना भूलना। जा सकते हो तुम।
पाशा। मुकर्रब खास इब्राहिम पाशा कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं, दुआ करें। उन पर हमला करने वाला गद्दार क्या नहीं मिल सका? जल्दी ढूंढ लेंगे पाशा। असल में मैं उनकी इबादत करना चाहता हूँ। क्या वो महल में है? नहीं, इलाज के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिया है। अच्छा, तो वो कहाँ है? मुझे मालूमात देने का अख्तियार नहीं पाशा। समझ गया मैं। मेरे आका। आओ मालकोचू, बात सुनो। तहकीकात में बहराम पाशा को भी शामिल कर लो। क्या आपको कोई शक हुआ है उन पर आका? कलंदर शाह की बगावत के दौरान इब्राहिम पाशा ने उसे बरतरफ कर दिया था। अनातोलिया के इख्तियारात उससे वापस ले लिए थे। इस हादसे को वाना का मसला बना सकता है, लेकिन वो ऐसा है तो नहीं, जसारत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखो। समझ गया आका। एक खबर आई है कुछ देर पहले, खजीना सुल्तान की हालत ठीक नहीं है। क्यों आई हो तुम, बताओ क्या हुआ इन्हें? कल रात भयानक ख्वाब देखा, उसकी वजह से सकते में है, बात तक नहीं कर रही। क्या हमें आप अकेला छोड़ सकती हैं? कैसे जुर्रत की तुमने ये? दरखास्त करती हूँ चाय यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकती हो? उलझे ना मलिका, साथ आए आप मेरे। इसके साथ अकेला छोड़ दे इन्हें। मेरे आका। खजीना का क्या हाल है? ऊपर है, अकेली है क्या? क्या हुआ उसे? गुरम ने हमें शहजादी के कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब निकाल दिया? तन्हाई में बात करने के लिए। तन्हा क्या बात करेगी उससे? शहजादी, मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। शहजादी, हसीना, हौसला मत हारें, जो कुछ भी हुआ हिम्मत मत हारें। मैं जानती हूं यह आसान नहीं है, आपका गम अच्छी तरह समझती हूं मैं। जानती है क्यों? मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, अपने प्यारों को खो चुकी हूं मैं, अम्मी को, बाबा को, अपनी बहनों को। मेरी दुनिया बर्बाद होकर रह गई थी, सांस लेना भी दुश्वार था, हर चीज से नफरत हो गई थी मुझे। मैं सोचती थी अब कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं कभी मुस्कुरा भी नहीं सकूंगी। मैं जीना नहीं चाहती थी और मरने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी ना कर सकी। फिर इश्क हो गया मुझे, बाद में औलाद पैदा हुई, उसे अपनी गोद में लेते ही हर शय बदल गई। मां हूं अब मैं, मैंने अपने आप से अहद किया है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के लिए जीऊंगी मैं। मुझे जीने की आरजू मेरे बच्चों ने दी, उनकी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी है। ये तुम भी कर सकती हो हसीना। तुम अपनी मोहब्बत से, अपनी ममता की शफकत से,
छू कर देखो इसे, चलो छू देखो, महसूस करो, एक जिंदगी है तुम्हारे अंदर जिसकी जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है शहजादी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं पाल सकता इसको, क्या इसे बेयारो मददगार छोड़ दोगी? क्या इसके पैदा होने से पहले ही इससे मां का साया छीन लोगी? ख्वाहिश थी एक घर होगा, इब्राहिम, मैं, हमारा बच्चा, लेकिन ना हो सका। इब्राहिम को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा, अपने चाहने वालों को नहीं छोड़ सकता। तुम उसके साथ जियोगे, खुद को असीयत देने से अच्छा है कि तुम इब्राहिम के पास जाओ, तुम और बच्चा जान हो उसकी। तुम दोनों की मौजूदगी से इब्राहिम को एक नई जिंदगी हासिल होगी। हुरम ठीक कहती है, इस तरह हौसला हारने से कुछ नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊंगी। तुम उस हालत में कैसे जाओगी? वो जगह दुश्वार है बहुत। इब्राहिम के पास जाना चाहती हूँ। हम चलेंगे खजीना, मैं भी फिक्रमंद हूँ, लेकिन पहले तुम सो जाओ, आराम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह सुबह जल्द रवाना हो जाएंगे। मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की और सिर्फ आपकी मोहब्बत में चलती रही। आपसे अलग होना मेरे लिए मौत से बदतर है। काश मुझे बचाया ना होता आपने, मर जाती मैं, ये दुख तो खत्म होता।
बेटे बहुत डर लग रहा है अम्मी, मुझे अपने पास बुला ले। अभी नहीं थियो, जाओ घर लौट जाओ। अम्मी रो मत थियो, डरो नहीं बिल्कुल, तुम्हें देखती रहूंगी और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी मैं। अम्मी पाशा, पाशा होश आ गया पाशा, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी बख्शी। ये कौन सी जगह है? गारे शिफा में है, आपकी सेहत याबी के लिए यहाँ लाए हैं। सुम्बुल आगा नसुआ फंदी। बहुत दुआएं की है मैंने आपके लिए पाशा, आप वापस लौट आए। अब मैं मर भी जाऊं तो गम ना होगा। क्या हुआ? पाशा को होश आ गया, वो ठीक है। पाशा भागो, फौरन यासर साहब को खबर करो। तुमने जैसे खजीना की दिलजोई की, हौसला अफजाई की, देखकर खुशी हुई। तुम्हारी मौजूदगी मुझे, मेरे तुफलान और मेरे अहले खाना को तकवियत दे रही है। ये बाइस इत्मीनान है, दिल को सुकून मिल गया। आपके सुकून के खातिर जो बन पड़ा करूंगी वो। इब्राहिम का ख्याल आता है, इंशाल्लाह जल्द सेहत याब होके वापस आ जाएगा। अगर ना आया तो पाशा पे जिसने तीर चलाया था क्या पकड़ा नहीं क्या अब तक? पाशा खुश आमदीद। ओ अहलनी खातून, आओ बैठो मेरे पास, आओ। तुम बहुत याद आती हो मुझे, बहुत अरसा हुआ आपको देखा नहीं। अब तुम बखुशी तनो। कोई खुशी की बात है क्या? नहीं तो कुछ अरसे बाद होगी। ऊपर चलते हैं, रोदोश की हसीनाएं आई हैं। एलनी को भेजो मेरे पास। हो गया पाशा, जहर का असर खत्म हो गया, आपके वजूद ने यह बर्दाश्त कर लिया है, जख्म ठीक हो रहा है। बहुत अच्छे पाशा, ये जहर ये मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नारो सुम्बुल आगा, इन आंसुओं की वजह खुशी है, दुख नहीं। अपने आंसुओं को संभालो, काबू में रहो, मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। खजीना सुल्तानिया, मेरे बच्चे की कोई खबर है मत रख जी। बिल्कुल ठीक है वो सब पाशा, आपकी अच्छी खबर के मुंतजर है। सुम्बुल आगा फौरन खबर भेज दो महल में। जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। जल्दी ना करें पाशा, आप कल रवाना हो जाएंगे। घर ले चले मुझे। पाशा थकाए नहीं अपने आप को।
याद रख जी। तुम्हें मैं हुक्म दे रहा हूं मतरक जी, मुझे फौरन घर ले चलो। आज आप कुछ नोश नहीं फरमाएंगे क्या पाशा? आज नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। एलनी कहाँ है, क्यों नहीं आ रही वो? मालकोचू, खुशामदीद, आपको देखकर खुशी हुई। कहाँ थी, आ क्यों नहीं रही थी तुम? मत पूछे पाशाओं के पाशा, एक ताजिर आया था, मेरा पुराना मेहमान है, उसके साथ ही मसरूफ थी बस। कौन है वो? ग्रीति तो नहीं है वो? नहीं, वो नहीं है। जब से आपने मना किया है मैं अब उससे नहीं मिलती। कौन है वो? रहा वहां। क्या हुआ, क्या जानते हैं आप इसको? तुम इससे भी नहीं मिलोगी, कतई इसे अपने कमरे में नहीं बुलाओगी। नहीं मिलूंगी किसी से। मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेते आप, अपने घर ले चले ना। मेरे आका, बग्गी तैयार है, आपकी रवानगी का इंतजार है। आला, खजीना भी आ रही है चंद लम्हों में। आपके सफर के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, इजाजत बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता आका। कल शब कहां गायब थे मालकोचू? मेरे आका। खजीना। आका रवानगी का हुक्म दे, इंतजार नहीं होता अब। फौरन रवाना होना चाहिए। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। आका, कोई आ रहा है। Ha ha ha!
पार करे। अल्लाह ने खजीना सुल्तान की दुआ सुन ली। बग्घी तैयार करवाएं, खजीना सुल्तान के पास जाएंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन दाया खातून, वो एक बहुत अहम मौजू है मेरे पास और अभी जरूरी है ये बात करना। क्या है? इधर आइए। दाया, संबल, मलिका, जो सुना वो सच है क्या? इब्राहिम पाशा सेहतियाब हो गए? बिल्कुल मलिका, जान छूट गई है इस बला से। शुक्र है, अल्लाह बचाए हर बला से उनको। बहुत खूब, तो जश्न मनाना चाहिए। बहुत ठीक है इब्राहिम। शहजादी, रोए नहीं आप, क्या हाल कर लिया आपने अपना? खजीना, इब्राहिम ठीक कह रहा है, खुद को रंजीदा ना करो। देखो सही सलामत हमारे पास वापस आ गया है। अल्लाह ने तुम्हें एक नई खूबसूरत उम्मीद बख्शी है। खजीना, हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ोगी? इब्राहिम से एक अहम मसले पे बात करनी है। बिल्कुल मेरे आका। पारगली, हमारा दुश्मन कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे दरमियान ही है। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है, किसने किया होगा? मैं रोक लूं तुम्हें इब्राहिम, फोन की वो क्या महसूस कर रहे हो? मालूम नहीं आका। अयास पाशा हो सकता है क्या? आ जाओ। पाशा, आपकी दवा लाई हूं। निगार, क्या? पूछे मत, वल्लाह मैंने अपनी आंखों से खुद ये मंजर देखा था यार। कैसे हो सकता है? उसके कान खींच दिए थे मैंने। हाँ, ये क्या वाहियातपन है, ये क्या गुस्ताखी कर रही हो पाशा के साथ? मैं सोच भी नहीं सकती थी जो तस्वीर बहाती थी, क्या वो इसलिए था? पाशा तो बिल्कुल भी नहीं जानते ये सब, अगर जानते तो उसे मार देते। सूरत हाल अच्छी नहीं, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा सबको। खजीना सुल्तान के लिए भी परेशानी होगी। सुम्बुल आगा, पनाह मांगो, हंगामा न कर देना।
वैसे भी वो शादी करने वाली है। फौरन ही इसकी शादी करवा देता है खातून, वरने ही नई मुसीबत खड़ी कर देगी, मुझे पता है। शहजादी निगार फरमाइए। तुम्हारी शुक्रगुजार हूं मैं, एहसान है मुझ पर, मैं किस तरह बदला चुका सकती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, शहजादी कैसा एहसान, ये फर्ज था मेरा। आका तशरीफ ले जा रहे हैं क्या? मैं अब चलता हूँ, इब्राहिम थका हुआ है, आराम करने दो। मुबारक हो खजीना, अल्लाह तुम्हें कभी कोई सदमा कोई तकलीफ न दे, अब तुम सुकून से सो सकते हो। आका, इब्राहिम के दुश्मन जब तक आजाद है मैं कैसे पुरसकून रह सकती हूँ? वो अब तक मिले नहीं क्या? अगर उन्होंने दोबारा हमला कर दिया, इस खौफ में कैसे सुकून से रह सकती हूँ? ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। जगह देखकर बहुत अफसोस होता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ आराम से रह सकती हो तुम। अरे नहीं पाशा, रहने दे, एक बला मुसल्लत है सर पर, सांस भी नहीं ले सकती। कौन है बताओ, भी जान ले लूंगा उसकी। नहीं, लड़ाई नहीं चाहती मैं कोई, ना पूछे तो बेहतर है, बाद में मुझे ही भुगतना पड़ेगा। छोड़े, जाने दीजिए, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, समझे? आप मेरी हिफाजत कैसे करेंगे? आप ठहरे एक ताजर और वो एक बदमाश है, हर वक्त मरने मराने पर तुला रहता है। मैं ताजर नहीं खातून, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा तुर्क पाशा है। क्या मतलब? कौन है वो बदमाश? छोड़े ना, फजूल है बात करना भी। से तुम्हारी शादी करेंगे, फौरन शादी की तैयारियां शुरू करें दाया। निगार काल्फा को पालकी में बिठाकर रुखसत करेंगे। क्या हुआ? ये शर्मा गई है मलिका। मैं यहां बरसों से यहाँ पर हूँ, आपकी खिदमत से अलग रहेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम जैसी वफादार काल्फा को खोना नहीं चाहूंगी कभी। महल में खिदमत जारी रखोगी, उसके बाद तुम्हें कनीजों की तरबियत करनी है। सलामत रहे आप। अभी जाओ, अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ, शादी तक तुम्हें यहीं रहना होगा। काफी है, मुझे जाना है, बाद में दोबारा आऊंगा। आप जब भी चाहें आ जाएं पाशा, मैं इंतजार करूंगी। आऊंगा मेरी जान, तुम फिक्र ना करो इतनी। हाँ, अगर वो बदमाश तंग करे तो खबर कर देना। बता दूंगी पाशा। क्या सूरत हाल है, क्या कोई काम की बात मालूम हुई है तुम्हें? जल्द ही मालूम हो जाएगी, देखिएगा बुलबुल की तरह बोलेगा। एहतियात करना, कोई गलती ना कर जाना, काम जरूरी है और खतरनाक भी। आपके होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है।
शहजादी। क्या हुआ निगार काल्फा? वालिदा ने वापस आने का हुक्म दिया है। जानती हूँ, खबर है मुझे। वालिदा पाशा की अयादत के लिए आई थी, तब बात की थी मुझसे। मुझे अफसोस है तुम्हारी शादी नहीं करवा सकी। तुम्हारी उदासी जानती हूँ, लेकिन फिक्र ना करो, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। बहुत जल्द तुम खूबसूरत पालकी में बैठकर अपने घर रुखसत होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मुझसे कोई गलती, कोई कसूर हो गया हो तो माफी मांगती हूँ आपसे शहजादी। नहीं, कुछ नहीं। जाओ मेरे लिए, वही पुराना वाला। कौन सा? तुम्हारी अम्मी जो बजाती थी। ठीक है, सुस्ती दिखाओगे तो यही होगा। कैसे करेंगे? ओहो, जरा जल्दी हाथ चलाओ। शकर आगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई मिठाई खिला दो थोड़ी सी। ओ, कैसी मिठाई गुलागा, वैसी मुश्किल में पड़े हुए हैं। मेहंदी की रस्म होगी क्या? मेहंदी का ना पूछो मुझसे, मेहंदी नहीं है। तुमने फिर से मेरा दिमाग खराब कर दिया। अल्लाह अल्लाह। निगार काल्फा के जाने पर तुम्हें दुख है क्या? दुखी हूँ बिल्कुल, उससे इतने पुराने तालुकात जो हैं। वो आती जाती रहेंगी, फिर भी उदास ना हो तुम। क्या होगा उसके आने से, अपने शोहर की बाहों में जाने के बाद। क्या कहा? कुछ भी नहीं। सुंबल आगा कहाँ है? मेहंदी लगा रहा होगा कहीं बैठकर। वालिदा सुल्तान। खुश आमदीद इब्राहिम, कैसे हो? बहुत बेहतर हूँ मैं। आप? हुर्रम ने करवाए, सब कोई शक नहीं, वो फिर से हमला करेगी। ये उसने करवाए मुझे यकीन नहीं। वो बस मौके की ताक में रहती है किसी तरह से भी। मेरे बेटे को जाल में फंसाकर उसने निकाह कर लिया, तो क्या तुम्हारे लिए साजिश नहीं करेगी वो? ये उसका खेल है इब्राहिम, और हमें ये खेल बहुत जल्द खत्म करना होगा। क्या बात है हुरम?
क्या परेशानी है? गुमसुम हो कुछ? निकाह के बाद से बातें बना रहे हैं सब लोग, सिर्फ हरम में ही नहीं, बाजारों और गलियों में भी कोई खुश नहीं शायद। सब नाराज लगते हैं हमारी खुशियों से। किस किस्म की बातें? मैंने आप पर जादू कर दिया है, जादूगरनी हूं मैं। हसीनत, संजीदा हूं मैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं मुझे पसंद क्यों नहीं करता कोई। मैंने ऐसा क्या किया है आखिर? कोई तुम्हें पसंद करे ना करे, मैं पसंद करता हूं, ये काफी होना चाहिए। ऐसी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लो। शिकार बनने वाला खुश और जादू करने वाला भी खुश। वालदा सुल्तान, मुझे अफसोस है, इस मसले में आप कोई मदद नहीं कर सकता मैं। क्या तुम पर भी कोई जादू कर दिया हुरम ने? बताओ मुझे कि तुम कुछ करने से कासिर हो गए। मैं तो सिर्फ आका का वफादार हूं वालदा सुल्तान, लेकिन आका ने हुरम सुल्तान को मेरी मुहाफ़ज़त में सौंप दिया है। उन्हें किसी किस्म का गजंत पहुंचा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं उन्होंने। कम से कम लियो का ही राज फाश कर दो। सुलेमान को यकीन नहीं मुझ पर। अपना बहुत ख्याल रखो। इब्राहिम, पाशा क्या ठीक होते ही तुम फिर से क्या कोई नई साजिश तैयार कर रहे हो मेरे लिए? झगड़ा खत्म नहीं करोगे? अब कोई साजिश और कोई झगड़ा नहीं होगा, खत्म। होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि जीत गई हूं मैं। मैं हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे भूलने को तैयार हूं। अगर तुम भी फरामोश कर दो तो। और अगर ना किया तो क्या कर लोगे तुम मेरा? देर कर दी इब्राहिम, हालात बदल गए हैं। मैं आजाद हूं और निकाह वाली औरत हूं, और तुम एक गुलाम हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये भूलना मत, क्योंकि ये हकीकत तुम्हें जलाकर खाक में मिला देगी एक दिन। निगार यही है? जी यही है, लेकिन अभी तैयारी कर रही है। फिलहाल हमें अकेला छोड़ दो, हटो सामने से। तुम सब बाहर निकलो, निकलो। खैर तो है आगा, सब ठीक है ना? कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं, लगता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो।
कतई खुद को मजबूर ना समझना, कतई। अगर चाहो तो मैं हुरम सुल्तान से बात कर सकता हूँ, फौरन रुकवा देंगी सब, जानती हो अब वो बहुत ताकतवर हैं। और कितनी बार कहोगे तुम? खुश हो मैं, लेकिन मुझे खुशी नहीं है। इसके अलावा वो मतरक वाला नसू अफंदी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल। तुम मुझे भटकाओ नहीं आगा, आज शाम मेरी मेहंदी है। ठीक है, अयाज पाशा ऐसी साजिश की जुरत नहीं कर सकता मेरे आका। मैं शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम एहतियातन ये बात मद्देनजर रखो। बहराम पाशा के मुतालिक आपकी क्या राय? बहुत मुमकिन है, आका आप इजाजत दे तो इस मसले पर बजाते खुद तवज्जो देना चाहता हूं। जो चाहे करो, लेकिन एहतियात से काम लेना। मेरे आका, आई बेगर खातून को लेने के लिए मुझे सफर पर रवाना होना है। ठीक है, तुम जा सकते हो। इब्राहिम पाशा, तालान में चलते हैं। वालिदा इंकशाफ कर रही थी हुरम के बारे में। मुसव्विर लियो और उसके दरमियान क्या हुआ था, क्या जानते हो बताओ मुझे। माफी चाहता हूं आका, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। वालिदा कहती हैं कि वो एक बेवफा औरत है, क्या कोई सबूत है इस बात का? बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन सी बात है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, और अगर कोई सबूत होता तो पहले आपको बताता आका। तो इसका मतलब है कि हुरम को मेरे दिल से निकालने के लिए साजिश कर रही है वो। जानता हूं वालिदा मेरे निकाह से खुश नहीं है बिल्कुल भी, हुरम ने जो हुक्म दिया था क्या उसका वो ताज बन गया? ये काम बहुत वक्त तलब है मलिका, और ताज बनने से क्या हो जाएगा, वो पहनेगी क्या? उस गुस्ताख से कुछ बईद नहीं, सबको मुट्ठी में बंद कर लिया है। दाया, किसी पे भरोसा नहीं मुझे। खैर, आई बेगी की कोई खबर आई है क्या? बाली साहब उनके इस्तकबाल के लिए रवाना हो चुके हैं मलिका। बहुत खूब, जैसे ही वो पहुंचे मेरे पास ले आना, बहुत याद किया है उसे, कितनी बड़ी हो गई होगी अब। मुझे भी तजस्सुस है मलिका। खुशकिस्मत है, मेहंदी की रात हम साथ होगी। खातून, वो तैयार हो रही, आ जाएंगे अभी। तुम कौन हो? मैं मालकोचो बाली साहब हूं, सुल्तान सुलेमान खान का मुकर्रबे खास हूं मैं। आई बेगे खातून के इस्तकबाल के लिए हाजिर हुआ हूँ।
मुकर्रब खास से ज्यादा शहजादे लग रहे हो तुम। कौन हो तुम? आयबेग खातून की मुहाफिज हूँ मैं, मुझे उनके साथ खास तौर पे भेजा गया यहाँ। इसे संभाल कर रखो, कोई हादसा ना हो जाए। खातून को खबर दो। आयबेग खातून, पाए तख्त में खुश आमदी। शुक्रिया आपका, आइए चलते हैं। कैसे हैं आप पाशा? बहुत फिक्रमंद थे आपके लिए। कैसी तबीयत है मोहतरम? शुक्रिया, बहुत बेहतर हूँ। आपकी सेहतियाबी और सलामती की मनादी चारों दाम करवा दी है। लोगों की अपनी राय होती है, कहने लगे आप वफात पा जाएंगे। वाकई? तो फिर बाहर चहलकदमी के लिए चलते हैं, बाजारों गलियों में जरा घूमते हैं, ताकि दोस्त और दुश्मन जान ले मैं अब तक अपने कदमों पर खड़ा हूँ, जिंदा हूँ। हिफाजती इकदाम के बगैर मुनासिब नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्या तुम मेरी हिफाजत नहीं कर सकते अयाज पाशा? पाशा मैं जरूरी इकदाम कर लो इस बार। बहराम पाशा, तुम भी चलो हमारे साथ, काफी अरसे से तुमसे बात नहीं हुई। मेरे लिए एहसास होगा पाशा। क्या मेहंदी पहुंच गई? लेकर आ रही है। दाया खातून, आई बेगे खातून पहुंच गई हैं, उनके इस्तकबाल को जा रहा हूं। मैं जाऊंगी, तुम तैयारियों की तरफ ध्यान दो। गुलाका कहाँ है? फिर से गायब? वो तो सोग में है, आवाज नहीं निकल रही उसकी। कैसा सोग है वो? अमान, मुझे ना बताना। लड़के ठीक से रखो कपड़े, इतना बताया फिर भी नहीं सीखती। और कितना इंतजार करना होगा? कुछ पूछ रही हूं। अपनी हद में रहो। ना रहूं तो क्या कर लोगे तुम? जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। हाथ तो लगाओ जरा। दाया, आई बी के खातून। हरम में खुश आमदीद। दाया खातून, बिल्कुल नहीं बदली हैं आप। आप बदल गई हैं, लेकिन बड़ी हो गई हैं। वालदा सुल्तान आपकी मुंतजर हैं, मुकर्रब खास इजाजत दे। आए बेगे खुश आमदीद। कितनी जल्दी पड़ी हो गई हो तुम। वालिदा, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। माहिदौरा से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी अभी हुई है। मलिका, खुश आमदीद आई बेगे। आओ बैठो यहाँ। बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी वालिदा, मैं वापस जाऊंगी। कहाँ? मालूम है मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। मजाक कर रही हो? वालिदा, बाबा को मेरी अशद जरूरत है, उनके साथ रहकर उनकी मदद करना चाहती हूँ मैं। मुमकिन नहीं है ये, सूरत हाल बेहतर होने तक यहीं रहोगी। लेकिन वालिदा मैं महदौरा के साथ उसके कमरे में रहोगी। तुम तवील सफर से आई हो, पहले जाके गुस्से कर लो, उसके बाद खूब आराम करो।
क्या मतलब एक हफ्ता? इतना वक्त नहीं है, फौरन तैयार करो। आपके ताज पर मेहनत हो रही है मलिका, कुछ और वक्त दरकार है। वक्त नहीं मिलेगा और, वो ताज कल तक मुझे चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम्हारा वो हशर करूंगी, याद रखोगे। او خری کن چیه کن؟ نامه بین خمی کم لینگر ای بی اوان کاریان اویا پیویس نکا خوم ازانم کاری خوم کم باشه کسکن او ده توان برو بخواشتی تو با من دالش هراو بوی هورم که هایه؟ कहाँ से जिक्र आ गया उसका? मैंने सुना है वो यहाँ किरम से ही आई है। उसके 3 शहजादे भी हैं। उस पर भी सबर नहीं हुआ तो निकाह कर लिया। कैसी औरत है, उसे देखना चाहती हूँ। नाम भी ना लो उसका, कतई दूर रहना उससे। सांप है वो, शैतान है। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? उसने आका को छीन लिया इसलिए? همو گیانم کتره و چند روزه لنو کشتیم. تم آرام کرنا، کپڑے تیار کروا دوں گی تمہارے. کیسے کپڑے؟ تو لڑکوں کی طرح انہی کپڑوں میں گھومتی رہوں گی. میں یوں ہی ٹھیک ہوں، ویسے بھی میں کچھ بھی پہنوں آپ کی طرح خوبصورت نہیں لگ سکتی، اس لیے آپ زحمت نہ کریں بالکل بھی. بگه خزینه سلطان، میری جان کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں میں، یہ امید سے ہیں آپ؟ کتنا دن رہ گئے؟ ابھی وقت ہے، چلو آؤ بیٹھو میرے پاس۔ ماہ دورہ لباس کیوں نہیں تبدیل کروایا؟ والدہ میں نے اصرار کیا، اتنے ملبوسات دکھائے लेकिन पहन नहीं रही थी। मलिका आप वहां तशरीफ रखें, ख्याल रहे बदमस्की ना हो। सूरत है, ویلم نزدار آنها شکر آنها ماشاءالله چند بسفر سماب کن سماب کن راستی ماشاءالله چند جوان یکی تیرش تکن اما شربت نیه جیان اگه در با تو تکن تکه دی بس سیدی بس جنه نصره افندی ازادی ختم
अब तो आप यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। असल में तो आना जाना अब ज्यादा होगा। वो क्यों? यहाँ ज्यादातर आने वाले शादीशुदा हैं। मालूम ही है घर की औरतें बहुत बोलती जो हैं। बिल्कुल सही कह रही है। निगार के अलावा किसी और को छू कर दिखाओ। अरे अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? तुम अब कैंसर खुशा दीदी। कहाँ चली? कैसे हैं? कौन हो तुम? आई बेगे, किरम की शहजादी हैं ये। अच्छा वाकई, खुश आमदीद। मैं हुरम सुल्तान हूँ। आपकी शोहरत है बहुत। वैसे मेरे मुतालिक अच्छी बात नहीं सुनी होगी। यूं ही है, जादूगरनी के नाम से मशहूर है। जादू करनिया वहां है, खुशियां मना रही हैं। खुशी हुई मिलकर आपसे। मुझे भी हुई। बेगे, तुमसे खास तौर पर दरखास्त करती हूँ मैं, इस औरत से ज्यादा कुर्बत ना रखना। मैं नहीं चाहती तुम पर बुरा असर पड़े। क्या बहराम आया था? नहीं पाशा, कितने दिनों से नहीं आया। समझ तो नहीं गया वो। अरे बैठो, छोड़ो मुझे। नसु अफंदी। ओ फरमाइए गुलागा। आओ तुम्हारे साथ बाजी लगाएं। क्यों हंसते हो इब्ने आदम? आओ जरा मतरख खेलते हैं। नसु अफंदी, पूरा ना मनाइएगा, इसको आदत नहीं है, अभी थोड़ी सी चढ़ गई है इस वजह से ये। क्या हुआ, डर गए क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा वल्लाह। चलो उधर। हो गया काम। तुम्हारी जबान का क्या करूं मैं? बैठो यहाँ पे। दिल चल रहा है सुंबुल। जहरी मैर पर दाखी की दिखेश पको बस सबित के भी। खातुन गुण जैसे खातुन चली गई। तो फिर क्या तुम जैसे अधूरे मर्द को मिलती? बताओ जरा, अधूरे हो तुम अधूरे, बेवकूफ कहीं का। बाजी साहब उठो, बैठे बैठे, मैं कौन हूं किस पर जाहिर ना करे, बैठे। खैर तो है पाशा? मतरक जी तुम आओ जरा मेरे साथ।
मैंने तुमसे बहुत अहम मौजू पर बात करनी है मथरक जी। खैर तो है पाशा। सैदे फुमाइका बुजाशे, सैदे फुमाइका बुजाशे उस्तानी चेरी मोया सैदे फो उस्तानी चेरी मोया सैदे फो। Zar misliš, majko, da zaspim? Zar misliš, majko, da zaspim? Ja ti se, mlada, s dušom dijelim. Ja ti se, mlada, s dušom dijeli. Zovi mi, majko, komšije, zovi mi, majko, komšije, i prvo moje gledanje, što smo se, majko, gledani u šajku lađu na more, u šajku lađu na more. سلاو تان لیه بیت سلاو لیه وش کارو بار چونه؟ باشه پاشه دیاره رو رسم شهزاده بایه مزار خوش بو پاشم دنگوی مردین یوه زون نگرانی کردین خواه یوه با حکومتی مزم پیالت پاشم خواه سایه تان سره مکم نکرد آمین هرگز افواهو پر یقین نا کریں آپ لوگ آئی بیگ خاتون مقرب خاص اگر آپ یہاں آقا سے ملنے آئی ہیں تو کیا ہوا ندامت کی وجہ سے نظر نہیں ملا پا رہے ندامت کیسی مجھے کنیز جو سمجھ بیٹھے تھے اس لباس میں آپ کو جو بھی دیکھے گا یہی سمجھے گا آخر کیا خرابی ہے اس لباس میں پسند نہیں آیا کیا یہاں کس لیے آئی تھی آپ میری طرف دیکھو گے تو بتاؤں گی نا میں آقا سے ملنے آئی ہوں ابھی نہیں مل سکتی ملوں گی میں نے کہا ناممکن ہے حرم میں جائیں آئی بیگے خاتون آئے بیگ خاتون آقا معافی چاہتا ہوں یہ بغیر اجازت ٹھیک ہے مالکوچو میرے آقا آپ اس جہاں کے سلطان اور بہت بڑے فاتح ہیں بہت تعظیم کرتی ہوں آپ کی کاش مجھے بھی آپ اپنے ساتھ شامل جنگ کر لیتے میرے آقا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا کیسی ہو آئے بیگ خاتون وہاں کے حالات سناؤ کچھ حالات خراب ہیں بہت اور میرے گھر والوں کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کرم جانا چاہتی ہوں ان کے پاس فوراً تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں بلوایا ہے میرے آقا وہاں بہت خونریز لڑائی ہونے کا خدشہ ہے میں فکر مند ہوں کرم کے حالات کی وجہ سے کرم کے حالات کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں
तुम्हारे अहले खाना की हिफाजत के लिए जो नागुजीर है वो कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हर वक्त नजरों के सामने रहो मेरी। तुम अपनी ख्वाबगाह में जाओ, अरसा तवील तक तुम हमारी मेहमान रहोगी। मालकोचू, इब्राहिम पाशा कहां है? मोहतरम पाशा आइए, मैं आपको कुछ पेश करने का शर्फ चाहता हूं। कैसे हो? खुशामदीद पाशा। कारोबार कैसा चल रहा है? दरअसल वो गैर मुल्की ताजरों के माल की किल्लत है पाशा, महसूल के बाइस माल नहीं आ रहा। और लोग भी यही कह रहे हैं, कानून सबके लिए यकसा है। पाशा कुछ पेश करना चाहता हूं आपको, अदा पजारी से आज ही आए हैं, ताजा हैं, बिल्कुल आपके लायक है। पाशा रुकिए, पहले मिठाई तुम खाओगे। अरे पाशा बहुत लजीज है ये, पहले तुम खाओ इसे। अरे कैसे अंदाजा लगाया कि जहर है इसमें? आधा पजर की मिठाई ऐसी नहीं होती पाशा, ये शख्स तो दुकानदार नहीं लग रहा। क्या ये इकदाम किए हैं आपने? आपका ताज आ गया है मलिका, जल्दी लाओ इधर। ऐसा ही ताज चाहती थी मैं। क्या हाल है? उदासी बिला सबब है। निगार, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है उसे भूल जाओ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप पे काबू रखो, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम खुश खुर्रम जिंदगी गुजारोगी, तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको अपनी गोद में खिलाओगी। यहां रहने से क्या फायदा? मेरी तरह बूढ़ी हो जाओगी, क्या अकेली रहना चाहती हो तुम? अपनी जवानी और हुस्न की कदर करो। ओहो,
क्यों बैठी हैं अभी तक? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं दुल्हन की रुखसती का। हाँ खड़ी हो रही हो, जाओ अपनी जगह पर। माहिदौरा, हरम के कुछ कायदे हैं, उन कायदों के मुताबिक अब मेरी जगह यहाँ है। वालिदा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अपने सर पे इतना बड़ा ताज रख के। माहिदौरा, सब्र करो। मौसम कितना खुशगवार है, बाहर चलें क्या? बिल्कुल, अगर चाहो तो साथ चलते हैं। क्यों नहीं, खुशी होगी। अपने घर में शादा रहो हमेशा। बहुत सी खुशियां देखो, मुबारक हो तुम्हें। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रखो तुम्हें। मुबारक हो। इस ताज को उतार दो हुरम, और दोबारा कभी ना पहनना। किस जुर्रत के साथ तुम मेरे आगे खड़ी हो? ये कैसी गुस्ताखी, कैसी बदतमीजी है? वालिदा, बेटे से निकाह का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है। हुरम, तुम्हारी कदर कीमत पहले जैसी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। वालिदा, अगर आप मुनसिफ हैं तो इंसाफ करें। मैं हर तरह के फैसले के लिए तैयार हूं, बस आपको आदिल बनना होगा, जो कि आप अब तक नहीं बने। आपने हमेशा ही मुझे रुस्वा किया, जलील किया, लेकिन फिर भी मैं हर चीज भुलाकर तैयार हूं हाथ मिलाने के लिए आपसे। मैं सुलह चाहती हूं।
क्या हो रहा है आजकल हरम में? पूछो मत। हुरम जब से महल में आई है हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारी, अफसोस है उस औरत पर, लगता है सब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। एक बार फिर तुम्हें खबरदार करती हूँ, हुरम की बातों में हरगिज ना आना, समझ गई? वो एक ऐसी नागिन है जो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर पुश्त में छुरा घोंपती है। मलिका, क्या हुआ गुलशा? आका फौरन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या वाकई? अच्छे लग रहे हैं आप, जाइए। आइए मलिका। खैर तो है बेटे, ऐसा क्या मसला आ गया? बताता हूं वालिदा। मेरे आका, वालिदा। पास आओ माहे दौरा, तुम भी सुनो। मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा? वालिदा, कुछ दिनों से महल में जो कुछ चल रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। वो सब सुनकर मुझे सख्त हैरत के साथ अफसोस भी हुआ, क्योंकि हुरम से अपने अक्त के बाद मुझे उम्मीद थी कुछ तब्दीलियां आएंगी, लेकिन लगता है कि इस हकीकत को कबूल करने में आप लोग पसोपेश से काम ले रहे हैं। आप लोगों से हुरम को चाहने की तवक्को नहीं रखता, लेकिन अब आप सबको उसके एहतराम और उसके मकाम को कबूल कर लेना चाहिए। क्योंकि अब वो सुल्तान निस्फ जहां की जोजा है। आज के बाद उसके साथ की गई हर बेअदबी को हकारत समझूंगा, जो उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ करेंगे आप लोग। तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। क्या कहा? किस लिए तलाक क्यों दे दी आपने मुझको? मेरा कसूर बताए ना सुहाफंदी, ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं मुझसे? क्या करूंगी, कहां जाऊंगी मैं? मत करें मेरे साथ ऐसा खुदारा, मत करें, मैं मर जाऊंगी। Yeah.
मेरी ताकि निजात मिले मुझे। आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। कसूर क्या है मेरा, क्या गुनाह किया? तुमसे क्या मसले पर बात करनी है? खैर तो है पाशा? विक्टोरिया खातून वाला वाकया तो याद होगा तुमको। तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, जिंदगी बचाई थी तुम्हारी। सारी उम्र इस पर नादिम रहूंगा पाशा, सोचता हूं आपके एहसान कैसे चुकाऊं। तो आज वो एहसान चुकाने का वक्त आ गया है मतरक जी। हुक्म करें पाशा, आपके लिए तो बखुशी जान भी कुर्बान कर दूंगा। निगार कालफा से मिलते ही उसे तलाक देनी होगी तुम्हें। कैसे, क्यों पाशा? निगार कालफा मेरी है मतरक जी, मेरी औरत है। समझ गई तुम अब? यानी आज के बाद हम साथ रहेंगे? मेरा खून सिर्फ एक औरत की खातिर मेरी तौहीन करेगा, नजरअंदाज कर देगा मुझे? मल्लिका, इस मामले के पीछे जरूर कोई हिकमत है। ये कैसी हिकमत है? हुरम हकीकत में जादू करनी है, ये सच है, सब यही कहते हैं उसे। पता नहीं पिसर को क्या खिलाती रहती है, वो बस उसी की सुनता है। वालिदा, क्या हुआ महेदौरा? ये तो तजलील है हम सबकी। कैसे कैसे खामोश रह सकती हैं आप इस पर? ये औरत हम सबका मजाक उड़ा रही है। आपको इस मसले पे कुछ करना चाहिए। क्या कह रही हो, होश में आओ। मैं होशो हवास में हूं वालिदा, लेकिन मुझे आका मदहोश लग रहे हैं। मुसलसल अपनी रजालत से तंग आ गई हूं मैं। अगर आप अभी उसे फौरन खामोश नहीं करवा सकती तो मुझे ही फौरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो, ज्यादा सोचो मत,
सुकून से रहो। मैं बिल्कुल सुकून से हूं, लेकिन सोच रही हूं कि काश आपका वालिदा से सामना ना हुआ होता, मैं बर्दाश्त कर लेती जो भी हुआ। तुम कुछ बर्दाश्त नहीं करोगी। आज के बाद तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हारी इज्जत और तकरीम कम नहीं कर सकता, कभी भी। आखिर क्या करना चाहती हो तुम, क्या करोगी? अगर आपने अब भी इस तजलील पे अपनी जबान बंद रखी तो आप खुद देख लीजिएगा। हरगिज कोई खता ना कर बैठना, सब्र से काम लो। मैं चुप नहीं रहूंगी अब वालिदा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे खामोश रहने की वजह से हुआ। आप मुझे चुप करवाती रही। चुप करो माहे दौरा, अभी ठहरो माहे दौरा। तुम्हें जेब नहीं देता माहे दौरा, बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी औरत हूं, मेरा भी एक गुरूर है। अरसे से आका ने मुझे नजरअंदाज किया हुआ है, जो कुछ भी है हुरम है। गलत कह रही हो तुम, तुम्हें भी अपने पास बुलाता है। पास बुलाने से क्या होता है वालिदा, मुझे उन्होंने छुआ भी नहीं। नामुमकिन, गलत है ये। नहीं वालिदा, पूरी रात मैं तन्हा रोती रही। मैं उनके पास थी मगर ऐसा लगा कि नजर ही नहीं आ रही उनको। वो सारी रात मेरे सामने बैठे रहे और कुछ ना बोले वो मुझसे। आखिर बताए ना वालिदा, एक औरत की इससे ज्यादा और तोहीन क्या होगी। ठीक है, मुझसे एक खता हो गई, लेकिन 10 बरस हो गए हैं और कितनी सजा मिलेगी मुझे। यकीन रखो तुम बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे वालिदा, मुझ में सब्र नहीं रहा, कोई उम्मीद भी नहीं है। नहीं वालिदा, जो भी होना है हो जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। नसुआ अफंदी, पहली सुहाग रात को आप यहाँ कैसे आ गए? जौजा तस्लिम नहीं आई क्या? ए, जाओ यहाँ से, चलो। तो है मतलब क्या हुआ है? ओ बहराम पाशा, शब खैर। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है, वो भी आज की रात? आओ तुम्हें घर छोड़ो। हमारे दरमियान ये सब एक राज रहेगा। मतरक्षी से तलाक की किसी को खबर ना होगी। वो तो ठीक है पाशा, लेकिन नसुआ फंदी, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हमारा शरीक राज है। कुछ अरसा यहां कायम करोगी तुम, फिर उसके बाद तुम्हें घर लेकर दे दूंगा। मैं जब तुमसे कहूंगा तो तुम उस घर में मुंतकिल हो जाना, उसके बाद वहां मिला करेंगे, उसी घर में अपनी जिंदगी गुजारोगी तुम तो।
मुझे यूं लगा जैसे मेरा जनाजा निकला हो महल से। लेकिन किस्मत देखे कि आपके दिल में जगह मिली मुझे। क्या हुआ है? आप दराज रहे शहजादी। कहाँ है वो? दोनों बखैरियत हैं शहजादी, सेहतमंद हैं। शुक्र है बहुत। एक बेटी है। दूसरा बेटा है। अल्लाह उम्र दराज करे इनकी। सुहाफंदी चले। क्या हुआ? मुझे थोड़ी सी और पीनी थी। नसुआ फंदी, ठीक तो है ना आप? ठीक हूँ पाशा। चले गए? हाँ बिल्कुल चले गए। छोड़ो, खुद चला जाऊंगा। पाशा मोहतरम। खैरियत है? शहजादी बीमार है क्या? वो ठीक नहीं पाशा, कमरे में आराम कर रही हैं। उन्हें आखिर हुआ क्या है? खैरियत से वो दो बच्चों की माँ बन गई हैं पाशा मोहतरम।